जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। भाग्य रेखा की कुछ अन्य स्थितियाँ, जिसमें कई बार आप देखेंगे कि राहु के इस क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है और आपके शनि के क्षेत्र या इस मध्य के क्षेत्र में या यहाँ पर गुरु के इस क्षेत्र की तरफ चलती चली जाती है। इसके क्या प्रभाव हैं? सबसे पहले हम बता दें कि जब भी भाग्य रेखा आपके राहु के इस क्षेत्र में, और राहु का क्षेत्र अगर यहाँ पर बिल्कुल सुदृढ़ अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, तो यहाँ से निकला हुआ भाग्य रेखा आपके लिए बहुत ही सुफलदायक होता है। आपके भाग्य में काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं दिन दुनी रात चौगुनी योगों की स्थिति बनाने का काम करता है, भाग्योदय का काम ये आपके लिए करता है। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षशील होता है। जीवन के शुरुआती दौर से ही अगर हम देखें तो इनके लिए परिस्थितियां आसान नहीं होती हैं। काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, काफ़ी कुछ सहते हुए, काफ़ी कुछ अपमान मान सब देखते हुए इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि खून के रिश्ते भी आपसे आपको दगा देते हुए चले जाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं होंगे, वहाँ से भी आपको कई बार काफ़ी समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मानसिक तौर पे काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपकी खुद की स्थिति भी जो जिसे कहें काफ़ी सुदृढ़ वैसी स्थिति नहीं रह पाती है। एक विचलित अवस्था आपके साथ हमेशा बनी हुई रहती है, साथ ही भविष्य को लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई होती है। ये अलग बात है कि आप अपने टैलेंट पर अगर भरोसा करते हुए उसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जीवन में निश्चित तौर पर मंजिल प्राप्त होती है और बहुत ही ज़बरदस्त प्राप्त होती है। लेकिन अपने आप पर भरोसा करना कई बार आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में आप देखेंगे तो कुछ लोगों की हथेली में मान लो आधी अधूरी है, लेकिन कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, वो जीवन रेखा से या स्पष्ट तौर पे अन्यत्र यहीं से शुरू होती ही चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर कई बार आप देखेंगे कि बहुत सामान्य गति से बीतेगा। नॉर्मली अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करी, कोई नॉर्मल सी जॉब ले ली, लेकिन निराशा साथ में है, साथ में पता नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, वो रोबोट की तरह बस हमें कोई ऑपरेट कर रहा है। ऐसी स्थिति आपको जीवन में देखने को मिलेगी, ना कोई खुशी ना कोई गम, बिल्कुल अजीब तरीके की स्थिति बन जाएगी। लेकिन यहाँ से आपका जीवन टर्न लेगा, यहाँ से पता चलता है कि आप वास्तविकता में खुद के लिए आप जीना शुरू करने वाले हैं, खुद के लिए कुछ करने वाले हैं, और उसके बाद का जो समय होता है वो आपके जीवन के अंधेरे को बिल्कुल दूर करके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैलाने का काम करता है। अब बात आती है कि ये रेखाएं अगर निकली है तो कहाँ पे जाने से क्या स्थिति पैदा होगी। अगर शनि के क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये आपको अर्थमुखी बनाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धन के तरफ आपका झुकाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, उसके निमित्त ही आप कोई कार्य करना चाहेंगे, जीवन में धन संग्रह ही आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा, और इसके कारण आप बहुत ही सधे तरीके से बिल्कुल प्लानिंग के तहत जीवन में आगे बढ़ेंगे, कारोबार शुरू करेंगे, परिस्थितियों को अपने अधीन करेंगे और जीवन को बहुत ही ऊंचाई तक लेते हुए चले जाएंगे आर्थिक तौर पे। लेकिन इसके कारण क्या होगा कि जीवन में कई और जो दूसरे पहलू है वो कहीं ना कहीं गुमनाम हो जाएंगे, जिसका प्रभाव बुढ़ापा में यानी वृद्धावस्था में आपके जीवन में दिखाई देगा। वहीं अगर ऐसी स्थिति बनी और ये चले जाए बीच संधि रेखा की स्थिति में, तो ऐसे में क्या होगा, धन परिवार सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदार सारी चीज़ें मेंटेन तरीके से चलती रहेगी, हालांकि धन उतनी मात्रा में जो आपको जीवन में आना चाहिए वैसी स्थिति को यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि जीवन पहले के मुकाबले पूरी तरीके से बदल जाएगी। वहीं ऐसी स्थिति आपके गुरु के क्षेत्र की तरफ चलती चली जाए तो ये आपके भाग्य में आने वाले समय में बिल्कुल बदलाव की स्थिति को दर्शाती है। आपकी बिल्कुल दबी हुई इच्छा जो कि बचपन से है या जिसे लेकर आप पैदा हुए हैं, वो उभार मारेगा यहाँ पर, वो उभरेगा, वो निखरेगा और आप नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी के साथ आप एक बड़े समुदाय को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का और उसे जिसे कहते हैं कि उसे लेके आगे बढ़ने की एक स्थिति आपको प्रदान होगी और आप उनका नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर विकसित होती चली जाएगी। एक कारोबार के रूप में भी हो सकता है, एक लीडर के रूप में भी हो सकता है और पॉलिटिशियन के रूप में, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो आध्यात्मिक क्षेत्र होते हैं उनमें भी आप अपनी स्थिति दिखा सकते हो। निर्भर करता है कि आपकी हथेली में कौन सी स्थिति कैसी है, उस आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में ये चीज़ें आपको लेकर यहाँ पर जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर इस स्थिति में निकली है, ठीक है, अब ये आगे बढ़ने के बाद कहीं पर किसी रेखा ने इसे यहाँ पर काट दिया है तो उसका क्या असर होगा, ये देखना होगा कि वो रेखा कौन सी है और वो रेखा आप इनके लिए अच्छी है या बुरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर अर्धव रेखा की स्थिति होगी तो ये क्या करेगी कि वहाँ पर जातक के लिए कई बार मुश्किल स्थितियों को यहाँ पर दिखाने का काम करेगी। उर्ध्व स्थिति होगी तो कई बार क्या है कि आपके लिए फायदे की स्थिति को भी दिखाने का काम कर सकती है। निर्भर करता है कि जिस पर्वत क्षेत्र से निकली है वहाँ इनकी स्थिति क्या है।
नहीं तो सामान्य तौर पे क्या है कि यहाँ पर ये रेखाएं सामान्य तौर पे जो आड़ी तिरछी रेखा होती है वो मुश्किलों को ही यहाँ पर खड़ी करती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे, जैसे कि यहाँ से भाग्य रेखा निकली और कई बार आप देखते हैं कि क्रॉस का जो चिन्ह होता है वो एकल रेखा के रूप में इसमें आके टकरा गई, तो क्या इसे हम क्रॉस की भी संज्ञा दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आप इसे क्रॉस की भी संज्ञा दे सकते हैं और ये भाग्य रेखा के रूप में भी ये अपना जो इनका कर्तव्य का निर्वहन है यहाँ पर करेंगे और इसका भी निर्वहन करेंगे, और ऐसी स्थिति में इस रेखा को और भी ज़्यादा बल मिलेगा और इस जीवन में और भी ज़्यादा आपको तरक्की करने में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, इसके अलावा देख लो यहाँ पर इसमें से अगर कोई शाखा निकले तो क्या होगा, ऊर्ध्व शाखा की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है तो ये आपके लिए योगों को अच्छा बनाने का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये तिलक के चिन्ह को भी दिखाने का काम करेगी। शनि के इस क्षेत्र पर जब भी तिलक की स्थिति बनेगी आपके लिए बहुत ही सुंदर है। ऐसी स्थिति में आपको शनि से संबंधित जो भी शुभ तत्व हैं उनकी प्राप्ति यहाँ पर आपको होती है, गुणों की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती चली जाती है। उसी प्रकार अगर ये गुरु के क्षेत्र की तरफ चली जाएगी तो गुरु से संबंधित जो भी सुफल है उसकी प्राप्ति आपको होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। निर्भर करेगा कि गुरु का यह पर्वत क्षेत्र कैसा है, वहाँ पर उपस्थित जो चिन्ह है उनकी स्थिति कैसी है। इस आधार पे पूरा आकलन करके आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यह भाग्य रेखा जो मध्य से शुरू हुई है आपके जीवन को कहाँ लेके जाने वाली है और किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। मिलते हैं फिर रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधे।